शुरुआत करेंगे आईपीएल में लगने वाली सट्टे से जुड़ी कई खबरों के साथ मध्य प्रदेश में सट्टे का कारोबार अब लगातार बढ़ता जा रहा है और इस कारोबार को सबसे ज्यादा बढ़ावा दे रही है या फिर प्रभावित है युवा पीढ़ी इंदौर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे का एक बड़ा खुलासा किया है सटोरियों के पास से एक करोड़ इकतीस लाख रुपए बरामद किए गए हैं सात लोगों को पुलिस ने धर दबोचा है इधर राजधानी भोपाल भी इस कारोबार से अछूता नहीं है यहाँ पर भी पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। भोपाल में आईपीएल सट्टे पर क्राइम ब्रांच ने छापेमार कार्रवाई की गई और इसमें पुलिस की आज जो कुछ लगा बत्तीस सटोरी पकड़े गए चार सटोरियों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है नौ लाख रुपए कैश बरामद किए गए कई मोबाइल लैपटॉप और सट्टा खिलाने के इंस्ट्रूमेंट भी बरामद किए गए तो भोपाल और इंदौर में सट्टा कारोबार से जुड़े कई बड़ी मछलियां पकड़ी गई हैं दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आप देख सकते हैं इंदौर में जो बड़ी कार्रवाई की गई उसमें एक करोड़ इकतीस लाख से ज्यादा नकदी पकड़ी गई है वहीं आज भोपाल में भी कार्रवाई की गई पिछले पंद्रह दिनों में नौ जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई है बत्तीस सटोरी गिरफ्तार किए गए हैं नौ लाख रुपए से ज्यादा भोपाल में कैश पकड़ा जा चुका है दर्जनों मोबाइल लैपटॉप इनके पास से मिले हैं और जो तस्वीरें आपको इंदौर की दिखा रहे हैं जो रकम रखी हुई है वो सटोरियों के पास से मिली है एक करोड़ इकतीस लाख रुपए केवल एक सटोरी गिरोह के पास से मिले हैं जबकि न जाने इस तरह के कितने गिरोह इस समय आईपीएल से जुड़ा सट्टा लोगों को खिलाकर इस पूरे गंदे धंधे में उतरे हुए हैं और चलिए रुख करेंगे इंदौर की तरफ अखिलेश सेन हमारे साथ जुड़े हुए हैं वहीं राजधानी भोपाल से आकर्ष ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं आकर्ष पहले आपके पास आ, आना चाहूंगा मुंबई में 1960 में रतन खत्री ने जब सट्टे का कारोबार शुरू किया तो शायद रतन खत्री ने भी उस वक्त ये नहीं सोचा होगा कि जब हर हाथ में मोबाइल आएगा तो सट्टा खेलना और खिलाना इतना आसान हो जाएगा कि हर एक के जेब में रखे मोबाइल में रकम लग रही होगी और मैसेज दना दन इधर से उधर आ जा रहे होंगे साफ तौर पर सोहेल आपने सही कहा कि जब मोबाइल आया तो इसको काफी बढ़ावा मिला है यही कारण है कि एक छोटी सी यूनिक आईडी से लोग सट्टा खेल रहे हैं और यही कारण है कि पुलिस को उनको पकड़ने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है राजधानी भोपाल में 24 घंटे की बात करें तो रचना नगर और लांबा खेड़ा से पुलिस ने चार सटोरियों को गिरफ्तार किया और करीब नौ लाख रुपए उनसे बरामद किए और साथ में लाखों का लेखा जोखा बरामद किया और अभी तक जिस तरीके से आप बता रहे थे कि पंद्रह दिनों की सिर्फ बात करें आईपीएल की तो नौ जगह पर छापामार कार्रवाई की गई है बत्तीस से ज्यादा सटोरी गिरफ्तार किए गए हैं और करीब बीस लाख से ज्यादा की बरामद की

पहले छह ओवर में कितने रन बनेंगे दस ओवर तक कितने रन होंगे और पूरी पारी में कितने रन बनेंगे एक आंकड़ा ये भी है कि तकरीबन आई के हर मैच में दस हजार करोड़ का सट्टा लग रहा है हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ मोडस ऑपरेंडी है इंदौर में जो लोग पकड़े गए हैं किस तरह से इस पूरे मकड़ जाल को फैलाए हुए हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करके उनकी जेब से पैसा अपनी जेब तक लाते हैं यानी सट्टे का कारोबार कर रहे हैं क्या कुछ कहती है पुलिस? पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो जो संगठित अपराध है गिरोह है उनके खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है उसी के तहत चलते हुए इंदौर पुलिस ने पांच थाना क्षेत्रों में ऐसी जगह पर कार्रवाई की है जहां पर सट्टे का ऑनलाइन कारोबार चल रहा था और जो जितने भी आरोपी पकड़ाए हैं सट्टे के ये सारे आईपीएल से जुड़े हुए हैं सोहेल आपको बता दूं कि जो अभी तक जो आरोपी पकड़ा है उनके अंतरराष्ट्रीय ग्रोह से उनके संबंध थे क्योंकि अलग देश के अलग अलग राज्यों में इनके तार जुड़े हुए थे और वहीं से सत्ता संचालित कर रहे थे आपको एक दिन पूर्व की एक बड़ी घटना बताता हूँ सोहेल की जिसमें एक करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि पुलिस ने जब्त की है जो कि ऑनलाइन सट्टा के माध्यम से ये लोग संचालित कर रहे थे और जिसमें तिरपन करोड़ रुपए ऐसे हैं जो कि अलग अलग खातों में जमा है जिनको पुलिस ने स्विच किया है और उसी के बाद सही जो सट्टा है ऑनलाइन सट्टा है क्रिकेट है ये ये जो जो लोग लोग सट्टा संचालित कर रहे हैं इंदौर शहर के के आसपास क्षेत्रों में यहाँ पर प्लेट किराये से लेते हैं और फिर उन्हीं प्लेटों में सट्टा संचालित करते हैं और उसके साथ ही सोहेल की जो इन आरोपियों के पास से जिस प्रकार तो सामान पकड़ाया गया है उसमें लैपटॉप मोबाइल और अनेक ऐसे गैजेट पकड़ाए हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक थे और जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक

क्रिकेट में होने वाली हर गेंद पर सट्टा लगा सकते हैं हर विकेट गिरने से पहले सट्टा लगा सकते हैं खिलाड़ी कितने रन बनाएगा सट्टा लगा सकते हैं और जब से तकनीक का इस्तेमाल सटोरियो ने शुरू किया है तब से इस पर शिकंजा कसना भी मुश्किल होता जा रहा है अब पर्चियों का दौर चला गया जब पर्चियों में नंबर लिख सट्टे लगाए जाते थे लेकिन जैसे जैसे तकनीक हमारी जेब तक पहुंच रही है वैसे वैसे अपराध भी तेजी से फैल रहा है आकर्ष आपका और अखिलेश आप दोनों का इस खबर पर बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो मध्य प्रदेश में सट्टा कारोबार लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है हजारों करोड़ का सट्टा लगाया जा रहा है और पुलिस जिन लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर रही है उससे ये बात भी खुलासे के साथ सामने आ रही है और चिंता की बात है कि ज्यादातर युवा पीढ़ी इस वक्त सट्टे के कारोबार में लिप्त नजर आ रही है